जो मजा राजी में आता है वो जबरदस्ती में नहीं आता है। कभी जबरदस्ती में मजा आता है। राजा चले जाओ यहाँ से, नहीं अगर घर का कब जाएगा तो तेरी खोप आसमान में उसी में नजर आएगी। जाओ यहाँ से, चला जा। हाँ जा यहाँ से। तो मेरे साथ आप? हाँ मैं। मुझे बचा लो मेरे साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दूं, मैं आपके पैर पर ना बिठिया ना, खड़ी हो जाओ। ये तो अच्छा हुआ जो मैं आ गया, नहीं तेरे साथ ये राजा मालूम नहीं क्या कर रहा है। खड़ी से अगर से आप नहीं आ जाते हमारी सब कभी भी नहीं बचती। ये आपका शाम मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगी साहब, जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। जाना चाहती हो? हाँ। घर जाना चाहती हो? हाँ साहब। जाओ, जा सकती हो। ठीक है, तुम जाओगी कहाँ? तुम ये बता सकती हो कि तुम्हारे कमरे का नंबर कितना है? तुम्हें मालूम है कमरे का नंबर? हाँ बिल्कुल नहीं। ए मेरे साहब, अचानक न जाने कैसे क्या हुआ, इस मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तुझे नहीं मालूम है तेरे कमरे का नंबर? लेकिन मैं जानता हूँ तेरे कमरे का नंबर, मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। बात मेहरबानी होगी साहब अगर जो आप बतला दे तो बहुत ही मेहरबानी। जरूर बताएंगे। आओ थोड़ा पास आओ, तुम्हारे कमरे का नंबर मैं जरूर बताऊंगा। डरने की कोई बात नहीं। आप जानते हैं तुम्हारे कमरे का नंबर? जबरदस्ती में नहीं। अरे राजा कभी कभी जबरदस्ती में मजा आता है। चलिए बिठाइए, पैसे उठा कर लाता हूँ। चलो लाओ, मेरा जबरदस्त इसका इंतजार कर रहा है। मेरी तारीफ करना चाहती हो? मैं तो आपका नाम सुनती थी कि आप लोग गरीबों की रक्षा करते हैं, लेकिन नहीं मेरे, तू देश रक्षक नहीं बल्कि तू देश भक्षक है। भक्षक तू और तेरे ये साथी, इस समाज के लिए कलंक है, कलंक। वैसे दर्द ये लोग, अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। ये गरीब जनता तुझे तो अपना माई और बाप समझती है, और तू तू तो वो राक्षस है जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। ये जो पागल चलता कुत्तों की तरह, एक रोटी डाल दो रहने के लिए, आवास दे दो, राशन कार्ड बनवा दो, ये जनता ये चाहती है। एक रोटी डाल दो आपस में लड़ जाते हैं। ये तो आज मुझे मालूम हुआ कि पब्लिक की नजर में थू झोंककर धोखा देने वाला तू है तू। अब मुझे मालूम हुआ, आज तक हमने हजारों लड़ाइयां सुनी, इस देश के नौजवान शहीद हो गए, आज तक किसी लड़ाई में हमने ये नहीं सुना कि कोई नेता मारा गया हो, कोई एमएलए मारा गया हो। ये सब तुम लोगों की चाल है, तुम लोगों की। कानून मैं बनाता हूँ, कानून मैं मिटाता हूँ,
जाए हसे इसे उठा के मुंह देखो कैसे बना रहा मेहंदर कुछ भी कहो मेहंदर कहो कहो छिन्नरा कहो कुछ भी कहो लेकिन एक बात तुझे सीने से जरूर लगाऊंगा मैं विधायक 5 साल बहुत सुन चुका रूपा विधायक जी को भला और बुरा कहा इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ के मुझे आज को हम सबका कुछ तुझे जरूर मिलेगी चल बेटा वरना जबरदस्ती करना पड़ेगा गुस्से में अगर नजरी क्या क्या बोल गई इस वक्त मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कुछ याद नहीं आ रहा है होश आएगा तो कर चली जाएगी बड़ी तो ला दिया जाए
लेकिन राजा जाने के बाद मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। राजा समझा दो इन लोगों को कि अगर किसी की नजर पड़ गई हो तो चुपचाप तो वो चुपचाप बैठा रहे, नहीं अगले इलेक्शन में मैं कमजोर हो जाऊंगा, विधायक नहीं बन पाऊंगा, चुपचाप बैठे रहो। चलो हम लोग अगर जाने के बाद या हल्ला किया या बवाल किया या तालियां बजाया तो सोच लो राजा भैया की गोली चलेगी, चलेगी। आ जाते हैं लगे हो, सोच लो प्यार में बोलो कि ये क्या खा के ऐसी गलती की थी मालिक जिसके तुमने हाथ मुझे सजा दी, नहीं जीना चाहती इस जिंदगी से, अब तो मेरा बात नहीं।